हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजी लॉकर ऐप के बारे में, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा लॉकर जिसमें आपके डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में सेफ रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं। डिजी लॉकर ऐप में जितने भी डॉक्यूमेंट पहले से इशू किए होते हैं भारत सरकार द्वारा, उन सभी को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर ऐप में अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, यही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इस ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आपके आधार कार्ड से अटैच डॉक्यूमेंट होंगे उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, जैसा कि आधार कार्ड में दिया गया है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है, जैसा कि आधार कार्ड में दी गई है। उसके बाद आप यहां से अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले कॉलम में आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। अगले कॉलम में आपको एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर लेना है। ये सिक्योरिटी पिन आप अपनी इच्छानुसार क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे एक ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है और अगले कॉलम में आधार नंबर एंटर कर देना है। ये सारे कॉलम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आपसे एक यूज़र नेम क्रिएट करने को कहा जाएगा। आप चाहें तो यूज़र नेम क्रिएट कर भी सकते हैं या फिर उस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहीं पे नीचे की तरफ साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का आपने क्रिएट किया था, उस सिक्योरिटी पिन को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है और एक बार फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो यहाँ पे आप ड्राइव के ऑप्शन पे जाएंगे। ड्राइव के ऑप्शन पे जाते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं प्लस के आइकॉन पे जाएंगे और अपनी गैलरी में से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपका इस डिजी लॉकर ऐप में अपलोड हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इशू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट इशू होंगे आपके आधार कार्ड से लिंक होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मांगे जाने पर दिखा सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप है, तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव होते हैं या इशूड होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही वैलिड माने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इशूड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यू हैव नो इशूड डॉक्यूमेंट, यानी कि मेरी इस आईडी में कोई भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो आपके यहाँ शो करेगा, आपको इस तरह का मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाके सबसे पहले इशूड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से होम बटन पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि राशन कार्ड या 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि आपके आधार कार्ड से भी अटैच है, उसके लिए यहाँ पे आपको ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है। मान लीजिए आप 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं, या एग्जांपल के तौर पर यहाँ से आप राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें कि आपका नाम मेंशन है, तो आप सिंपली यहाँ पे राशन कार्ड टाइप करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ राशन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिल जाएगी जिस जिस स्टेट का आप राशन कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो इस बिहार के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और राशन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका राशन कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप इस डिजी लॉकर में भी सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप 10वीं या 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि आपके आधार कार्ड से भी अटैच है, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन वाले सेक्शन में जाके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है उस बोर्ड को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम इस फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। आप 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं या 12th की। मान लीजिए हम 12th की मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईयर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है और अपना रोल नंबर एंटर करने के बाद एक बार फिर से गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपकी 12वीं की मार्कशीट भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे आप अपलोड भी कर सकते हैं या जो डॉक्यूमेंट पहले से अवेलेबल है उसे आप आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।